आइए शुरुआत करते हैं। नारियल बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, ये फुल फैट मिल्क है। 1 कप हमने लिया है कोकोनट पाउडर, 2/3 कप हमने ली है पिसी हुई शक्कर। शक्कर की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने लिया है काजू का पाउडर, इलायची पाउडर, ये हमने लिया है केवड़ा वाटर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर केवड़ा वाटर डालने से जो बर्फी है वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। गार्निशिंग के लिए हमने लिए है बारीक कटे हुए पिस्ता। सबसे पहले हम एक आयरन की कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को हमें लगातार चलाते हुए उबालना है। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे हाफ होने तक रिड्यूस करेंगे। ये देखिए दूध को हमने हाफ होने तक रिड्यूस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए दूध में नारियल पाउडर डालने से दूध और भी गाढ़ा हो गया है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर और मिला दें। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे केवड़ा पाउडर। मिक्सर को थाली में लेंगे। ये देखिए हमने इसे थाली में निकाल लिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, जिससे कि जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो चुका है और बर्फी भी अच्छे से सेट हो चुकी है। आइए इसे काट लेते हैं। देखिए बर्फी को हमने अच्छे से काट लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए नारियल बर्फी बनकर तैयार है। ये देखिए हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। ये देखिए नारियल बर्फी बनकर तैयार है। अब हम इसमें रख दें तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो